एवरेज पावर, देखो जो एवरेज पावर है ये टर्म कहाँ से आ रही है, हम क्योंकि जो सोर्स ऑफ करंट एंड वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं वो अल्टरनेटिंग है, ईएमएफ भी अल्टरनेटिंग है, करंट भी अल्टरनेटिंग है, ईएमएफ इंस्टेंटेनियस है, करंट भी इंस्टेंटेनियस है। मैं ये चाहता हूँ कि सपोज़ करो आपके पास कोई ईएमएफ की वैल्यू है या ओनली रजिस्टर है, ओनली रजिस्टर है, ओनली रजिस्टर में ईएमएफ कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू आई नॉट इन टू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अगर मैं पूछूं पावर क्या है, आप बोलेंगे पावर इज इन टू आई, तो इन टू आई में ई की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो पावर मल्टीप्लाई करके आएगी ये कौन सी पावर होगी, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि टाइम के साथ ई और आई की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज, तो पावर भी क्या हो रही है, चेंज। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो पावर भी चेंज होगी, तो कौन सी पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर है। अब इंस्टेंटेनियस पावर कौन कैलकुलेट करेगा, जैसे हमने एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकाला था ऐसी एवरेज वैल्यू ऑफ क्या निकालेंगे, पावर निकाल लेंगे, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगे हमारे लिए, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में काम करना हर वक्त तो बहुत आसान है नहीं। तो इसलिए टॉपिक का नाम क्या है, एवरेज पावर। हम क्या करेंगे, हम चार बार एवरेज पावर निकालेंगे, पहली ओनली रजिस्टर में, दूसरी ओनली इंडक्टर में, तीसरी ओनली कैपेसिटर में, चौथी एलसीआर में, चार बार। पहले ओनली रजिस्टर में, तो एक्सप्रेशन का नाम है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद ओनली रजिस्टर। ओनली रजिस्टर का दूसरा नाम क्या है, नॉन इंडक्टिव सर्किट। तो ओनली रजिस्टर में ईएमएफ क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, पावर क्या है, ई इन टू आई, कौन सी पावर, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस पावर को लिखा कैसे जाता है, डी डब्ल्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज पावर। तो यहां से ई और आई की जगह, ई की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी डब्ल्यू आर डी टी। और अगर एवरेज पावर निकालनी, यहां पर एवरेज पावर जो निकलती है कंप्लीट साइकिल पे निकलती है, और एसी का कंप्लीट साइकिल कहां से कहां होता है, जीरो से लेके कैपिटल टी, तो लिमिट लगाओ जीरो से कैपिटल टी, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया, क्योंकि एवरेज पावर होती क्या है, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया, ई नॉट आई नॉट बाहर आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आप अपनी बुकलेट में लिख लेना कि आगे की इंटीग्रेशन आपने नहीं करनी, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन मैंने स्ट्रेट अवे आपको याद करवाई थी, कितनी, टी बाई टू, पेपर में आ गई तो भी सीधा टी बाई टू पुट कर देगा, स्टेप्स की जरूरत नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये स्टेप्स आप क्रॉस कर सकते हो, सीधा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, टी बाई टू। अब टोटल वर्क डन आ गया, टोटल टाइम आ गया, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम को क्या बोलते हैं, एवरेज पावर, और एवरेज पावर क्या आ गई, टू को लिखेंगे रूट टू रूट टू, तो ई नॉट बाई रूट टू इज ई आर एम एस, आई नॉट बाई रूट टू इज आई आर एम एस, तो एवरेज पावर क्या आएगी, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ई इसका पहला एक्सप्रेशन है।